ये जितना प्रयास कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का सपना देखते हैं, यहाँ लौटते हैं तो फूल का वर्षा करवाते हैं, आप फिर कहते हैं कि नहीं हम प्रधानमंत्री कैंडिडेट नहीं है, जो ये प्रयास कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी का नकल कर रहे हैं ललन सिंह के बाद। ललन सिंह तो पार्लियामेंट आ गया, पहले अपना पार्लियामेंट बचावे ना, क्षेत्र घूमे ना, उसके बाद पता चलेगा उनको। इन लोगों ने पूरे बिहार का अपमान कराया नहीं मिल करके, एक मुख्यमंत्री से सोनिया गांधी ना मिले, इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। इन लोगों ने पूरे बिहार का अपमान कराया, पूरे बिहार के जनता का अपमान कराया। देखिए आरजेडी चाह रही है कि जल्दी से ये देश घूमने जाए या मुख्यमंत्री कुर्सी हमको दे दे। हमको नहीं लगता कि ये संभव है। नीतीश कुमार जी ना कुर्सी छोड़ने वाले हैं और ना पीएम बनने वाले। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, मैं आपके साथ अभिजय सिंह। नीतीश कुमार ने दिल्ली दौरे पर विपक्षी नेताओं को एकजुट करने पहुंचे थे, और वहीं बात करें तो कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई की नोटिस भेजी गई, जिसके बाद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि केंद्र सरकार है जो एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के विधायक पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू हैं। सर, ललन सिंह बोल रहे हैं कि आप लोग एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। देखिए ललन सिंह जी क्या बोल रहे हैं इससे हमारा लेना देना नहीं है। नीतीश कुमार जी जो दौरा कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार जी को कोई भाव कहाँ दे रहा है। सोनिया गांधी मिली तक नहीं, जो भी लोग मिल रहे हैं बोले हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, इनको कोई नेता कहाँ मान रहा है। ये जितना प्रयास कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का सपना देखते हैं, यहाँ लौटते हैं तो फूल का वर्षा करवाते हैं, आप फिर कहते हैं कि नहीं हम प्रधानमंत्री कैंडिडेट नहीं है, जो ये प्रयास कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी का नकल कर रहे हैं, इनको कोई मानने वाला नहीं है। ललन सिंह के बाद, ललन सिंह तो पार्लियामेंट आ गया, पहले अपना पार्लियामेंट बचावे ना, क्षेत्र घूमे ना, उसके बाद पता चलेगा उनको। नहीं, ललन सिंह ये भी कर रहे हैं कि विपक्षी एकजुटता के लिए सकारात्मक पहल हुआ, इसलिए भाजपा है जो तिलमिला गई है, इसलिए इस तरह के दुरुपयोग केंद्रीय एजेंसियों को कर रहे हैं। देखिए जब जब चुनाव आता है, जब जब पार्लियामेंट का चुनाव शुरू होता है, पूरे देश की जनता एक सुर में कहता है मोदी मोदी मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, जनता कहती है। इन लोगों के छाती में, पेट में, माथा में दर्द होता है, सब सबके पास दौड़ता है कि कोई गले मिल जाओ, कोई एक हो जाओ, लेकिन कोई एक होने वाला नहीं है। और आप देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी शेर की तरह अकेले दहाड़ता है, बाकी जो सियार लोग हैं इसे भौं भौं करते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह से विपक्षी एकजुटता के लिए दिल्ली दौरे पर गए थे, तो वो सकारात्मक पहल देखे हुए राहुल गांधी पिछली बार गए थे सोनिया गांधी से मिलने, लालू जी भी गए, नीतीश जी भी गए, और उनके घर पर से लौट के सोनिया गांधी मिली तक नहीं, इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। इन लोगों ने पूरे बिहार का अपमान कराया नहीं मिल करके, एक मुख्यमंत्री से सोनिया गांधी ना मिले, इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। इन लोगों ने पूरे बिहार का अपमान कराया, पूरे बिहार के जनता का अपमान कराया है। क्या लगता है विपक्ष एकजुट हो पाएगा जिस तरह से पहल कर रहे हैं? देखिए पहली बात कि कोई विपक्ष एकजुट होने वाला नहीं है, दूसरी बात कि अगर हो भी जाता है तो फर्क क्या पड़ता है। 100 सियार मिल करके शेर का कुछ नहीं बिगाड़ने वाला, नरेंद्र मोदी शेर है, शेर की तरह दहाड़ते रहेंगे। लेकिन अब एक चर्चा तेज हो गई है, आरजेडी के ही नेता अब कहने लगे हैं कि नीतीश कुमार को यूपीए का संयोजक बना दिया जाए, कर रहे हैं। देखिए आरजेडी चाह रही है कि जल्दी से ये देश घूमने जाए या मुख्यमंत्री कुर्सी हमको दे दे। हमको नहीं लगता कि ये संभव है। नीतीश कुमार जी ना कुर्सी छोड़ने वाले हैं और ना पीएम बनने वाले हैं, ये क्लियर है। ललन सिंह कह रहे हैं कि अब भाजपा मुक्त केंद्र बनेगा। अरे ललन सिंह पहले अपना सीट बचावे ना, फिर भाजपा मुक्त करे, पहले अपना सीट बचा ले, फिर पता चलेगा भाजपा मुक्त क्या हो रहा है। चलिए, ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू। उन्होंने साफ तौर पर ललन सिंह को कहा है कि पहले अपना सीट लोकसभा बचा लें, तब भाजपा मुक्त के बात करें। तमाम खबरों के बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।